5 जुलाई को आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोगों को, सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोगों को जो मान और सम्मान दिया है और देश में जो लौ जलाया है सामाजिक न्याय के विचारधारा को, मैं राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के पार्टी के सम्मानित सभी नेता, कार्यकर्ता, साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग मिल करके आइए और अपने नेता का, जिन्होंने लौ जलाया है, उस लड़ाई को हम लोग और धारदार और तेज करने के लिए हम लोग संकल्प लें। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार के लखीसराय का दौरा करेंगे, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे लखीसराय के गांधी मैदान में भाजपा के 9 साल बेमिसाल अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनाएंगे। इसके साथ ही मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह के घर से विपक्षी नेताओं पर जमकर अमित शाह प्रहार भी करेंगे और ऐसे में ये दौरा महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जबकि हाल ही में विपक्षी दलों की नेताओं की बैठक पटना में हुई है। अमित शाह पटना में विपक्षी दलों की एकता बैठक में केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए गए आरोपों का जवाब भी महागठबंधन के नेताओं को देंगे। 3 महीने के अंतराल पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को नवादा में कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने संबोधित किया था। विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा का दावा है कि लखीसराय की सभा ऐतिहासिक होगी और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कमल एक बार खिलेगा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने कभी भी जीत नहीं दर्ज की है। एनडीए यह सीट नीतीश कुमार के खाते में लगातार देता रहा है। 2014 में भाजपा की मदद से लोजपा की जीत हुई थी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह की जीत भाजपा की मदद से ही हुई है। 2014 में जब भाजपा से अलग होकर जदयू चुनाव लड़ा तो उसकी हार हो गई थी। मुंगेर में खासकर लखीसराय जिले के हिस्से में भूमिहार वोटर काफ़ी निर्णायक स्थिति में है। भाजपा यहाँ भूमिहार चेहरा विजय सिन्हा पर दाव लगा सकती है। हालांकि विजय सिन्हा अभी विपक्ष के नेता बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से विजय सिन्हा लगातार सक्रिय भी हैं और अमित शाह के कार्यक्रम में लखीसराय को आगे ले जाने की भूमिका विजय सिन्हा निभा रहे हैं। भाजपा ने लखीसराय शहर को भगवामय बना दिया है। रिपेट से लेकर सभा स्थल गांधी मैदान के अलावा शहर में आने वाले हर मार्ग को होर्डिंग बैनरों से पाट दिया गया है। भाजपा के बड़े छोटे नेता लगातार लखीसराय में कैंप करते हुए देखे गए। अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार सम्राट चौधरी और विधान मंडल दल के नेता विजय सिन्हा के अलावा 4 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आरके सिंह, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह पटना एयरपोर्ट पर आज विशेष विमान से आ रहे हैं। अमित शाह की ओर से क्या घोषणाएँ होती हैं, इस पर केवल बीजेपी की ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी निगाहें टिकी रहेंगी। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अमित शाह का यह दौरा बीजेपी के लिए राजनीतिक स्थिति कितनी मजबूत कर पाएगा और हाल ही में विपक्षी दलों के नेताओं की पटना में हुई बैठक के बाद अमित शाह क्या कुछ इस सभा के माध्यम से लोगों के बीच कहते हैं, इसका इंतज़ार है। लखीसराय से मुखर संवाद के लिए अंजनी यादव की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।